नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार तेज। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत और जिम्बाब्वे के बीच बेहतर भविष्य के लिए आपसी भागीदारी बढ़ाने के प्रयास पर जोर दिया। आयुष मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने देश में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को आवश्यक बताया। केरल में शबरीमला मंदिर में कल विशेष पूजा के लिए मंदिर के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई। और खेलों में जर्मनी में जार लोर लुक्स ओपन बैडमिंटन में शुभंकर डे का मुकाबला आज ब्रिटेन के राजीव ओसेफ से होगा। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला 2020 क्रिकेट मैच आज शाम कोलकाता में। दोपहर समाचार के साथ मैं विमलेंदु पांडे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के 18 निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार तेज हो गया है। इन क्षेत्रों में इस महीने की 12 तारीख को वोट डाले जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विभिन्न दलों के बड़े नेता बस्तर और राजनांदगांव में प्रचार कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज खुज्जी, कोंडागांव और खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती भी आज अकलतरा और अंबिकापुर में जनसभाएं लेकर अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए समर्थन मांगेंगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं। दूसरे चरण में 72 सीटों के लिए मतदान 20 नवम्बर को होगा। पर्चों की जांच कल की गई, कल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 155 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी 177 उम्मीदवारों के नाम पहले ही घोषित कर चुकी है। मध्य प्रदेश में 230 सदस्यों वाली विधानसभा के चुनाव में इस महीने की 28 तारीख को मतदान होगा। मतगणना 11 दिसंबर को होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए इस बार कई कदम उठाए हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे मतदान की तारीख से 5 दिन पहले मतदाता पर्ची मतदाता के घर पर पहुंचाएं। चुनाव आयोग ने इन चुनावों में पर्ची का आकार भी पहले से बड़ा कर दिया है। इसके फलस्वरूप अब मतदान केंद्र के नक्शे के अलावा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जैसे मतदान बूथ का नंबर, मतदान की तिथि और समय, हेल्पलाइन नंबर, बीएलओ का नाम और मोबाइल नंबर भी मतदाता पर्ची के पीछे की तरफ मुद्रित किया जाएगा। अधिकृत मतदाता पर्ची मतदान केंद्र पर मतदाताओं की पहचान के लिए भी मान्य होगी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि भारत और जिम्बाब्वे को प्रगति और बेहतर भविष्य के लिए कठिन परिश्रम करना होगा। कल हरारे में भारत जिम्बाब्वे व्यापार मंच में उन्होंने दोनों देशों के उद्योग जगत से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग परस्पर हित में करने का आग्रह किया। उन्होंने खनन, कृषि, रक्षा निर्माण और पर्यटन सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय व्यापार और निवेश बढ़ाने पर जोर दिया। जिम्बाब्वियन कंपनीज कैन टेक एडवांटेज ऑफ द करंट हाई ग्रोथ ट्रेजेक्टरी ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडिया इज ऑन द मूव, द एंटायर वर्ल्ड हैज रिकॉग्नाइज्ड एंड दे आर ऑल नाउ विजिंग एंड ट्राइंग एंड ऑल्सो डूइंग बिजनेस विद इंडिया। इंडियन कंपनीज कुड फॉर्म पार्टनरशिप इन जिम्बाब्वे बोथ फॉर द डोमेस्टिक इकोनॉमी and for the wider Southern African Development Community। बैठक में दोनों देशों के बीच 6 व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। श्री नायडू आज हरारे में भारतीय उच्चायोग कार्यालय भवन के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद वे 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा के अंतिम चरण में मलावी के लिए रवाना हो जाएंगे। आयुष मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने देश में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में उद्यमशीलता और कारोबार विकास पर 2 दिन के राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि देश में आयुर्वेद की 20 लाख दवाएं उपलब्ध हैं। श्री नाइक ने कहा कि संगोष्ठी का आयोजन युवा उद्यमियों को आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद अवसरों के बारे में जानकारी देने के लिए किया गया है। केवल एक औषधि के ऊपर संशोधन करके भी एक व्यक्ति अच्छा उद्योजक बन सकता है। उद्योजकता के लिए हमारे टेक्नोलॉजी का सहारा लेना चाहिए। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ आयुर्वेदा को बढ़ाना और बढ़ावा देना चाहिए।
डिजिटल इंडिया के साथ जुड़ के आयुर्वेदा में कई अन्वेषण किए जा सकते हैं। टेलीमेडिसिन, मोबाइल ऐप, डिजिटल मार्केटिंग, इस प्रकार के अलग अलग तरीके अपनाए जा सकते हैं जिससे हम आयुर्वेदा को नई दृष्टि से पेश कर सकते हैं और प्रचार प्रसार इसका अच्छी तरह कर सकते हैं। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने आयुर्वेद औषधि निर्माताओं से इनकी शुद्धता बनाए रखने का आग्रह किया। Medicinal centers have to maintain medicinal purity of Ayurveda because if we dilute the medicinal purity of Ayurveda, it will have long-term damage. And this is very important. Ayurveda is unique because in Ayurveda, the body is considered to be a blend of the five basic elements: sky, water, earth, air, and fire. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। चली 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 सेहत की हवा, चली चली मुक्त होकर इलाज मिलेगी दवा, बीमारी का होगा मुफ्त उपचार, मुफ्त उपचार, बीमारी का होगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आरंभ के पहले ही महीने में 1 लाख से अधिक लाभार्थियों ने विभिन्न सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज का लाभ उठाया है। अब बीमार और नहीं लाचार, बीमारी का हो रहा मुफ्त उपचार। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 14555 पर कॉल करें। स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केरल में शबरीमला अयप्पा मंदिर के आसपास कड़ी सुरक्षा की गई है। यहां कल आधी रात से निषेधाज्ञा लागू है। मंदिर को कल विशेष पूजा के लिए खोला जाएगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि अयप्पा मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश की अनुमति के उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी की गई है। ये मंगलवार तक जारी रहेगी। अब तक कमांडो सहित करीब 1,850 पुलिसकर्मी तैनात किए जा चुके हैं। सुरक्षा इंतजामों की निगरानी पुलिस के अपर महानिदेशक अनिल कांत कर रहे हैं। राज्य पुलिस प्रमुख लोकनाथ बेहरा ने बताया है कि सभी सुरक्षा प्रबंध पूरे होने के बाद मीडिया के लिए लागू प्रतिबंधों में भी ढील दी जाएगी। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के MT रमेश ने कहा है कि अगर पुलिस ने शबरीमला में चेकपोस्ट बनाकर श्रद्धालुओं को रोकने का प्रयास किया तो इससे कानून व्यवस्था की परेशानी खड़ी हो सकती है। इस बीच शबरीमला में हुई हिंसा के संबंध में गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या 3,731 हो गई है। तिरुवनंतपुरम से शमीला की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता। केंद्र सरकार की जननी शिशु सुरक्षा योजना का पंजाब में सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हो रहा है। ये योजना सभी गर्भवती माताओं और बीमार शिशुओं के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करने की पहल है। इसके तहत राज्य भर में सभी सरकारी अस्पतालों में सामान्य और ऑपरेशन से होने वाले प्रसव सहित गर्भवती महिलाओं और नवजात बीमार शिशुओं को जन्म से 30 दिन तक निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। हमारे चंडीगढ़ संवाददाता की ये ग्राउंड रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने जननी शिशु सुरक्षा योजना पर करीब 5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस वर्ष अकेले पठानकोट जिले में योजना का लाभ जरूरतमंद औरतों तक पहुंचाने के लिए 56 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। महिलाओं ने कहा, मेरी बहू प्रेग्नेंट थी, जो भी यहाँ अपना इसका ट्रीटमेंट चलाया बड़े ढंग से हुआ और जब इसकी डिलीवरी की बारी आई तो बड़े अच्छे ढंग से जो यहाँ का स्टाफ है, डॉक्टर है, आज तक हमने एक भी पैसे की दवाई बाहर से नहीं ली। इन्होंने हमें बड़े अच्छे ढंग से कोऑपरेट किया और मैं तो ये कहती हूँ कि हम लोगों को इस बारे में जागृति होनी चाहिए कि हमें प्राइवेट में न जाके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके ये सुविधा लेनी चाहिए। इसको जो 2-3 किस्म के इंजेक्शन दवाइयाँ सारा फ्री में हुआ। कुल मिलाकर केंद्र का यह कार्यक्रम महिलाओं और नवजन्मे बच्चों के लिए वरदान साबित हो रहा है। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। पंजाब पुलिस ने सीमा सुरक्षा बल BSF के एक जवान को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस सिलसिले में BSF के एक अधिकारी की शिकायत पर फिरोजपुर में मामला दर्ज किया गया है। आरोपी शेख रियाजुद्दीन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम कर रहे एक व्यक्ति को गोपनीय सूचनाएं भेज रहा था।
पेट्रोल की कीमत में 21 पैसे और डीजल की कीमत में 17 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई है। अधिसूचना के अनुसार अब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 78 रूपए 78 पैसे प्रति लीटर होगी, जबकि 1 लीटर डीजल 73 रूपए 36 पैसे में मिलेगा। मुंबई में पेट्रोल 82 रूपए 28 पैसे और डीजल 76 रूपए 88 पैसे प्रति लीटर उपलब्ध होगा। पिछले 18 दिनों में पेट्रोल की कीमत में 4 रूपए 5 पैसे और डीजल की कीमत में 2 रूपए 33 पैसे प्रति लीटर की कटौती की जा चुकी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। जी बेटा, एक काम करो, ये कागज के टुकड़े बिस्तर पर फेंक दो और जो कचरा बच जाए उसे दरवाजे के आगे डाल दो। बाबा आप क्या कह रहे हैं? क्यों अजीब लग रहा है? जब तुम सड़क पर कचरा फेंकते हो, कहीं भी थूक देते हो, तब अजीब नहीं लगता? आखिर शहर भी तो अपना ही है। जब हम शहर को गंदा कर सकते हैं तो घर को क्यों नहीं? बाबा मैं समझ गया, अब से मैं कचरा कूड़ेदान में ही डालूंगा और कहीं भी गंदगी नहीं फैलाऊंगा। और ये बात मैं अपने सभी दोस्तों को भी सिखाऊंगा। आओ अब जिम्मेदार बने और अपने शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 की रैंकिंग में सबसे ऊपर ले जाएं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। जर्मनी में जार लोर लुक्स ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में शुभंकर डे का मुकाबला ब्रिटेन के राजीव औसेफ से होगा। सेमीफाइनल में कल रात शुभंकर ने चीन के फंग पोयन को पराजित किया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में आज शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी रोहित शर्मा करेंगे, क्योंकि विराट कोहली को इस श्रृंखला में आराम दिया गया है। उत्तराखंड में ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी और दूसरे स्थानों पर हल्की बारिश से तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में पिछले 24 घंटों के दौरान भारी बर्फबारी हुई। केदारनाथ मंदिर के कपाट शुक्रवार को बंद कर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दीपावली के दिन बुधवार को केदारनाथ दर्शन का कार्यक्रम है। श्रीनगर लेह राजमार्ग और मुगल रोड लगातार तीसरे दिन बंद है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्रीनगर और कश्मीर घाटी में कई जगहों पर कल भारी बर्फबारी के बाद जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने जवाहर टनल और मुगल रोड पर पीर की गली क्षेत्रों में 500 से अधिक लोगों को बचाया है जो बर्फबारी के कारण वहां फंस गए थे। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कल रात से गाड़ियों की आवाजाही बंद पड़ी है। रामबन क्षेत्र में राजमार्ग पर कई जगहों पे भूस्खलन और फिसलन है। उधर जम्मू और कश्मीर घाटी के बीच कल से बंद पड़ी हवाई सेवा आज प्रातः बहाल हो गई। गत 3 दिनों से संभाग में बारिश के चलते ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में भारी से मध्यम दर्जे की बर्फबारी हुई है। अर्किराना के साथ योगेश शर्मा, आकाशवाणी समाचार, जम्मू। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज दोपहर बाद वायु गुणवत्ता सूचकांक 209 था। इस बीच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों को दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण संबंधी शिकायतें ट्विटर और फेसबुक पर दर्ज कराने को कहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सरकार ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए 10 दिनों तक चलने वाले स्वच्छ वायु अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत वायु प्रदूषण पर रोक के लिए लागू उपायों की अवहेलना करने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इस अभियान के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गठित निगरानी दल दिल्ली के विभिन्न इलाकों के साथ साथ फरीदाबाद, गुरुग्राम, गाजियाबाद और नोएडा जैसी जगहों का दौरा कर रही है। इस सिलसिले में पिछले 2 दिनों में नियमों की अवहेलना करने वालों से 80 लाख रुपए जुर्माने के रूप में वसूला गया है। दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत और जिम्बाब्वे के बेहतर भविष्य के लिए आपसी भागीदारी बढ़ाने के प्रयास पर जोर दिया है। आयुष मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने देश में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को आवश्यक बताया है। केरल में शबरीमला मंदिर में कल की विशेष पूजा के लिए मंदिर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और खेलों में जर्मनी में जार लोर लुक्स ओपन बैडमिंटन में शुभंकर डे का मुकाबला आज ब्रिटेन के राजीव औसेफ से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।